दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स सेल क्राइम ने टारगेट करते हुए बरेली बेस्ड ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ करके 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुल्तानपुरी निवासी 45 वर्षीय हुकुम चंद और 32 वर्षीय रोहित तथा उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के निवासी 58 वर्षीय शाहिद खान के रूप में हुई है। इनके पास से कुल 1 किलो 100 ग्राम हेरोइन, एक क्रेटा कार और एक स्कूटी जब्त की गई। हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। चिन्मो बिस्वाल डीसीपी क्राइम ब्रांच नारकोटिक्स ने बताया कि दिल्ली में बरेली बेस्ड ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क और सप्लायर्स पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स सेल क्राइम ब्रांच पिछले काफी समय से काम कर रही। सप्ताह भर की कड़ी मेहनत के बाद बरेली दिल्ली ड्रग सिंडिकेट्स का पर्दाफाश करने में नारकोटिक्स सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। नारकोटिक्स सेल क्राइम ब्रांच ने 16 अगस्त को इसमें पहली गिरफ्तार की थी। दिनांक 16 अगस्त 2021 को नारकोटिक्स सेल क्राइम ब्रांच में तैनात एसआई अरविंद कुमार को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सुल्तानपुरी दिल्ली निवासी हुकम चंद उर्फ ड्रग तस्करी करता है और किसी को हेरोइन सप्लाई करने के लिए सुल्तानपुरी में ही नियर जलेबी चौक धन धन सदगुरु पार्क के पास आएगा। बरेली बेस्ड ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए मयंक बंसल एसीपी नारकोटिक्स सेल की सुपरविजन व इंस्पेक्टर राकेश दुहन के नेतृत्व में एसआई अरविंद कुमार, एएसआई मोहम्मद आइस्माइल, हेड कांस्टेबल बीरबल, हेड कांस्टेबल संदीप और कांस्टेबल राजेश की एक टीम बनाई गई। ड्रग सप्लायर्स को पकड़ने के लिए नियर जलेबी चौक धन धन सदगुरु पार्क के पास ट्रैप लगाया। 45 वर्षीय हुकम चंद और स्कूटी नंबर DL11G2499 पर किसी को देने के लिए ड्रग कंसाइनमेंट लेकर पहुंचा। टीम ने उसे रेड हैंडेड दबोच लिया। टीम ने आरोपी के पास से मौके से 1 किलो हेरोइन बरामद की। ड्रग सप्लायर्स हुकम चंद हार्डकोर क्रिमिनल है। इसके खिलाफ पहले से ही 5 आपराधिक मामले दर्ज है जिनमें 3 अकेले NDPS के हैं। पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच दिल्ली में ड्रग सप्लायर्स हुकम चंद उर्फ के खिलाफ 16 अगस्त को मामला दर्ज किया गया। इंटेरोगेशन के दौरान आरोपी हुकम चंद उर्फ ने खुलासा किया कि उसने हेरोइन सुल्तानपुरी दिल्ली निवासी रोहित उर्फ से खरीदी थी। दिनांक 18 सितंबर को लोकल इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से टीम ने सुल्तानपुरी एरिया में 32 वर्षीय रोहित उर्फ फाजुला को क्रेटा कार नंबर DL4CF3113 में 100 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। रोहित उर्फ ने इंटेरोगेशन में बताया कि फरीदपुर निवासी अपने एक जानकार सावेद की मदद से बरेली निवासी ड्रग सप्लायर शाहिद खान उर्फ छोटे प्रधान से 2 किलो हेरोइन खरीदी थी। ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए रोहित उर्फ को टीम ने कोर्ट से पीसी रिमांड पर लिया और यूपी के बरेली में आगे की छापेमारी की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान टीम को पता चला कि ड्रग माफिया शाहिद खान उर्फ छोटे प्रधान को बरेली पुलिस पहले से ही 20 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। पहले से गिरफ्तार 45 वर्षीय हुकम चंद उर्फ और 32 वर्षीय रोहित उर्फ फाजुला के बयान पर ड्रग माफिया शाहिद खान उर्फ प्रधान को इस मामले में गिरफ्तार करने के लिए 1 सितंबर 2021 को बरेली कोर्ट से उसका 7 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त कर लिया गया। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे बरेली जेल से दिल्ली लाया गया। शाहिद खान उर्फ प्रधान ने इंटेरोगेशन में खुलासा किया कि वो हेरोइन मैन्युफैक्चरर और वो कच्चे अफीम पोस्ट टोपे के अर्क और रसायनों की मदद से हेरोइन तैयार करता था। इस काम में उसके रिश्तेदार और अन्य सहयोगी भी उसकी मदद करते थे। दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स सेल क्राइम ब्रांच फरार और अन्य कड़ियों की तलाश में बरेली समेत यूपी के अन्य इलाकों में छापेमारी कर रही है। इस मामले में ड्रग ट्रैफिकिंग चेन से जुड़े लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोपी हुकम चंद उर्फ टीटू और रोहित उर्फ फिजुला की गिरफ्तारी से दिल्ली और बरेली में एक्टिव ड्रग सप्लायर्स के नेटवर्क में दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स सेल ने महत्वपूर्ण सेंध लगाई है। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।